ये बताए कि आपको लोग कहते हैं लाला आपके वाले साहब को भी गालबा लाला ही कहते थे तो ये प्यार से कहते हैं या क्या लाला मूसा की वजह से कहते हैं नहीं हमारे जो रवायती शहर हैं जैसे हाँ देसी माहौल होते हैं उसमें जब किसी को इज्जत देते हैं

ये भी बता दें जरा। अच्छा बात यह है कि आप पूछ रहे हैं, मेरे तीन पहरों में से कौन सा पहर पसंद है मेरी जिंदगी मेरी ज़िंदगी के तीन पहर हैं तीनों में अपने तीन पहर देखता हूँ मेरे मालिक ने मेरे अल्लाह ने ये रिश्तों में बड़ी चाशनी रखी है यकीन जाने के मैं जब उनको देखता हूँ तो मुझे दोपहर ने ये तीन पहर पैदा किए उसका कोई जिक्र नहीं Okay, तो पहले मैं? उनका जिक्र करें ना सर मैं मेरी जान क्या बयान कर सकता हूं वो मेरी एक जिंदगी का ऐसा साथी हां जिसने ये तीन तोहफे दिए हां कल्ला बैठ के सोचनावां बै सोचना मैं कल्ला बैठ के सोचनावां मैं जे ना अथरू हुंदे हां रोयां बाजों पार दिलां दे किंज फेर होले हुंदे जब मैं उसे सोचता हूँ तो मैं उसका महरम था और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे वो दुनिया में नहीं है और आपने उनके जाने के बाद भी वफा निभाई है आपका हमने कभी कोई स्कैंडल नहीं सुना अल्हम्दुलिल्लाह क्या स्कैंडल होगा जो बंदा मर चुका हो जिस बंदे ने अपने आप को कई दफा दफन किया हो एक एक जब मैं जब से छोटा था तो मैं करना चाहता आपके प्रोग्राम में कि मैं रोना धोना शुरू कर दूं वो एक जज्बात होता है कभी मैं बह जाता हूँ मैं यकीन जानिए कि मैं अपने आप को जब मेरे अब्बा दुनिया से गए तो एक पोर्शन वो जब मेरे दिल का वो दफन हो गया फिर एक महरूम मिला मुझे ज़िंदगी माँ तो मेरी है तो मां सदके जावा मैं पैर चुम चुम जींद रहना हाँ। मां तो आपको मुनाफे में अल्लाह ला देता है हाँ। रिश्ते दे दे हाँ। ने ने हाँ। हाँ। सो मैं समझता हूँ कि उसने मुझे वो तीन तोहफे दिए मैं उसको कभी नहीं भूलता हूँ उसे दुआएं देता जब अकेला होता हूँ अल्लाह से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे मालिक ऐसी जिंदगी का साथी जिसने सोलह साल में मुझे ये भी नहीं पूछा कि नहीं देखा, नहीं बात देखा। बड़ी जिंदगी में अच्छी इंसान कैसे कैसे मुझे वो उसने मैं तो दुनियादारी की हर चीज को पड़ा हुआ था उसे बयान करता हूँ शायद बयान करने वाला बैठा गई मुझे या अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगा दी तू मेरे मेरी इस मखलूक के लिए बात कर अल्लाह को जोड़ा बड़ा पसंद और जोड़ा तो किसी का भी ना। आगा। आगा। आपने पूछा में तीन पहरों में से कौन सा हुँ। पहर? हुँ। मेरे तीन पहर है। में से सब जो, सब से पहले जो ब्रेक मैं समझता हूँ कि जिसे जो वायरल हुआ मेरा बेटा वो है अली लोहार, जिसे आप पुरानी को वीडियो निकालेंगे ना तो उसमें वो दो में ਕਟਿਆ ਕਰਾ ਮਤ ਲਾ ਲੂ ਉਹ ਮਾ ਜਾੜੀਲਾ ਕਟਿਆ ਟੂ ਟੂ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 58 ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਸਨ ਮੇਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੋਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਫੀਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਬڑے ਲੋਗ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਕੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੀਡਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ तो so, ये चीजें जो होती जहाँ तक मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है तो क्वीन एलिजाबेथ की जो सिल्वर जुबली थी उसमें गालिबन आलम लोहार साहब जो थे वो पहली बार ऑफिशियली उनको इनवाइट किया गया था मलका की तरफ से और उन्होंने जा वहां जाके परफॉर्म किया गाया जी मलका तेरी सिल्वर जुबली कर कर लोक मनांदे ने मलका तेरी सिल्वर जुबली कर कर लोक मनांदे ने गोरे काले मिलके सारे गीत खुशी अंदर आजकल जो आपके लाला जी डंके चारों तरफ बाज रहे हैं तेनो सैर करामा मौज करामा तो ये जो बजट आया है दो दिन पहले इसके बाद भी आप अपनी इस ऑफर पे कायम है <laughs> <laughs> बात है कि आप अपने बजट में रह के कर लेना मौ, है ना। नहीं मैं चाहता हूं। आपने पल्ले से कुछ भी नहीं डाला, खाम खा की ऑफर की है सिर्फ तो आपने चौदह पंद्रह रुपए के चिप्स खिलाए तेन चिप्स कमामा फिर आपने उसमें आपने कौन सी मौज कराई फिर आप कह रहे तेरे सदके के जावा वो तो बंदा फ्री में चला जाता है फिर आप कह रहे हैं सीने लामा तो इसका मतलब है मौज को आप कर रहे हैं मुफ्ती कर दिया नहीं सर मौज आपने आपका की ये इल्जाम है, है कि मैंने मुफ्त किया सर आपने मौज खुद की है, है। मौज खुद की है नाम उसका मेरी, लगा जान, लगा मेरी जान एक बंदा ਢੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਪਾਇਆ گوشਤ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਦੇਸੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪਾ ਲੋ ਕੋ ਪਾਇਆ ਕੋ ਉਹ ਪਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਆਂਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤਦਾਦ ਵਧਾਓ ਤਦਾਦ ਵਧਾਓ ਮਕਦਾਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੋ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਢੂੰਡਣਾ ਕਿ ਆਪ ਕਹਾਂ ਪੇ ਮौज ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮੌਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਵੀ ਆਪ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲੰਡਨ ਕੁਮਾਵਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਓਕੇ ਉਹਨੇ ਅਗੋ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹੋ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਫੇਰ ਕਿਆ ਲਾ ਲੈਣਾ ਆ ਲੰਡਨ ਭਾਵ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜੀ ਗਾਣਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮौज ਕਰਾ ਦੇ वैसे कि गाना बच्चों को भी बहुत पसंद है बड़ों बच्चों को मेरा नहीं पसंद एक जमाने में जब मैं मेरे के इंतकाल के बाद मैंने गाना किया तो मुझे आए लोग पॉजिटिव सोचते हाँ। थे हर चीज को अब भी सोचते हैं जो जो सोचते हैं फिर एक वक्त आया जब मेरे दोस्त उठे आरफ यार आज भंगड़े पहनने आज असी आए हैं तो आज स्वाद आ जाए अब मुझे ना एक नुक्कर से आवाज आती आरिफ लोहार

आगी। 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 मां इत सैट तैठके गल की तो वायरल होकीन जानना मेरी मां की दुआ ने मेन सब कुछ किया मां बाप दुआवा ही होंगे बाकी कुछ भी नहीं मैटर करता तो मेनु ना अक्सर कोई भी सीनियर आर्टिस्ट मिलते सन तो मेरे अबा जी के दोस्त होंगे सर मैं घबरा जाना सर मू कैठ यार अच्छा तो मैं अपनी गड्डी ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਹਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵਖਤ ਬਨੁਆ ਪਿਆ ਰਿਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਧੀਰ ਬੈਠਾ ਰਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਆਰਮੂ ਆਰਸਾ ਨੂੰ ਅਗੇ ਨਾਜ਼ੀਆ ਬੇਗ ਹੋ ਕੇ